श्री कृष्ण राम राम सीताराम केम छो। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय माता जी। तो अभी हम लोग आए हैं नीचे क्रिकेट खेलने के लिए। हाँ भैया, हाँ देवू की रेसिंग कार चलती है। ब्रूम और देवू साथ में अपना स्कूटर भी लेके आया है ताकि अगर उसको क्रिकेट खेलने का मन ना हो तो वो अपना स्कूटर चलाएगा। क्यों देवू भी आ गए हैं तो तीनों बच्चे खेलने में लगे हैं साथ में। अभी मुझे भक्कन आ रही तीनों के तीनों। तो गुनीशा और जग्गू आ गए थे तो तीनों बच्चे मिलके खेल रहे थे। अभी तीनों के तीनों बच्चे मुझे पकड़ने में लगे हुए, कह रहे आप भागिए हम आपको पकड़ेंगे। परसों रात को बारिश हुई थी 10:30 बजे तक तेज हुई थी, बस 10-15 मिनट हुई थी। हाँ ओके। तो देखो पुलिस वाला बना है और मुझे कैच करने आ रहा है। और कल रात कल भी पूरे दिन एकदम बारिश जैसा मौसम हो रखा था, काले काले बादल, एकदम धूप बिल्कुल भी नहीं निकली थी। सुबह बस 8-9 बजे के आसपास धूप निकली थी, उसके बाद धूप नहीं निकली थी। पूरे दिन बारिश जैसा मौसम हो चुका था, बादल निकले हुए थे। ओके कमिंग ओके। तो देवू मुझे पकड़ने में लगा हुआ है। यस तो देवू कह रहा है मैं पुलिस वाला बना हूँ, मुझे पकड़ो जा। तो बारिश हुई कल तो ऐसा लगा कि बारिश होगी, जोरदार बारिश होगी, तेज बारिश हो गई तो अच्छा रहेगा। हवा भी इतनी तेज चल रही थी, हवा भी इतनी तेज चल रही थी, लगा कि शायद बारिश होगी। लेकिन बस वही 11-12 बजे के आसपास थोड़ी 5 मिनट हल्की हल्की बूंदे गिरी जब हम और देवू नीचे आए थे, हम और जग्गू नीचे आए थे कल खेलने तक। फिर दोपहर में 2-3 बजे हुई, फिर शाम को 5-6 बजे बस 2 मिनट बूंदे कुछ कुछ गिरी, लगे रात को बारिश होगी। लेकिन रात को भी बारिश नहीं हुई और अभी भी बादल निकले हुए हैं। और अभी देवू पुलिस वाला बना हुआ है और अभी बस चौक बनी हुई है। चौक बनी हुई है। अच्छा तो पुलिस के जो भी पहनने के टॉप हेड बेल जो भी पहनते हैं वो सब बता रहे हो। Boom, boom, boom. Come on, let's go. 1, 2, 3, go. आगे देखिए. अच्छा लेट्स गो। आराम से ये क्या कर रहे हो? हाँ ओके वापस मोड़ लेना उधर से। पुलिसमैन पकड़िए हमें। कैच मी देबू, कैच मी। व्हाट हैपेंड देबू? What happened? That's only animals. देखो देखो बादल कैसे हो रखे हैं। हाँ चलो देव। हाँ पापा इज नॉट कमिंग भैया, पापा इज क्रिक। ओ देवू तेज मार दिया आपने। देखिए बादल कैसे हो रखे हैं और हल्की हल्की हवा है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। और देवू थोड़ा लेट हो चुके हैं क्योंकि देवू की तबीयत ठीक नहीं, तो वो भी 2-3 से स्कूल नहीं चला गया है।
और जग्गू अपने फ्रेंड के साथ खेल के चली गई। अच्छा नाच मेरी रानी, इधर आ जा, देखो उधर नहीं जा, और जग्गू के स्कूल में फंक्शन चल रहा है, एनुअल डे, ओके एनुअल डे चल रहा है तो उसकी भी, उसकी छुट्टी है तो वो नहीं जाएगी कल। और देवू किसका बर्थडे आ रहा है? जग्गू दीदी का। तो 8 मार्च को जग्गू का बर्थडे भी है और महाशिवरात्रि भी है। और भैया तो देवू यहाँ पे बैठ गया है, पता नहीं क्यों वो गाना गाने में लगा हुआ है, सिंगिंग कर रहा है, नाच 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 मेरी रानी आज वो चल रहा है। देवू आओ भैया, नीचे गिर गया था जहाँ पे हम हर बार देवू चीज़ फेंक देता है वहीं पे हवा की वजह से गिर गया था, तो अभी गार्ड से बोल के उतरवा दिया। देवू का गाना चल रहा है नाच मेरी रानी नाच, आज उसके दिमाग में वही चल रहा है उसके होठों पे। ये कैसे करते हो, ये कैसे मारते हो भैया, ये खुद गिर जाओ और बेड को भी फेंक दो। चलो 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 भाई चलो चलो। देवू को लेने पहुंच गए हैं, बस दरवाज़ा खुलने वाला है 2 मिनट में, फिर देखते हैं देवू का रिएक्शन क्या है कि मम्मा लेने आने वाली थी तो वर्षा कहाँ से आ गई, और देखते हैं रास्ते में कितना शैतानी करता है कि नहीं करता है शैतानी, देखते हैं। तो दरवाज़ा खुल गया है और ये वो बच्चे हैं जिनको मैम छोड़ने जाती है खुद घर पर। देवू ये तो बुक है हमारे पास, आप ये, हाँ आप ये पको, ये पको कर लेते, ओके ओके, लेकिन बाद में पढ़ना, पहले ये दे दो, नहीं। अभी सीढ़ी उतरोगे ना तो गिर जाओगे आप। नहीं। तबीयत ठीक नहीं थी देवू की तो वो 3-4 दिन स्कूल नहीं आया था, आज आया है, लेकिन रोज़ पूछता था मैं स्कूल जा सकता हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो उसको मिस तो करता था, उसको अच्छा लगता है इस वजह से। और अभी मैं आ गई हूँ विवाह में, थोड़ा सा सामान लेने। तो ये देखिए कितने बड़े बड़े वाटरमेलन मिलते हैं यहाँ पे, और ये सब दालों का सेक्शन है विवाह, इस बार मैं आपको टूर विवाह का दे रही हूँ, और ये सारे कड़ी मसाले जो भी आप दाल में हम डालते हैं वो। तो देखो पत्थर में चल रहा है, बात नहीं सुन रहा है, तो उसकी ये जिद है, ये जब भी आता है तब इस पे ही चल के आता है। हो गया, नहीं ऐसे नहीं करो लग जाएगी चोट। और देवू नीचे खेलने के लिए आ गए, देवू अपना स्कूटर लेके खेलने में लगा हुआ है, और जग्गू गई अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करने के लिए कल बर्थडे पार्टी के लिए। और देवू देखो स्कूटर कैसे चला रहा है अभी, इधर इधर चलाइए, उधर कार आएगी ना। देवू और कल देवू के स्कूल में भी पार्टी है तो देवू भी कल पार्टी वाले कपड़े पहन के जाएगा। क्यों देवू ये देखो कैसे चला रहा है ये लड़का। भैया कैसे चला रहे हो, ठीक से चलाइए। नो देखो ठीक से चलाइए, कैसे चला रहे हो आप, नहीं स्कूटर ठीक से चलाइए जैसे आप चलाते हैं नॉर्मली, चलिए क्या हो गया। देवू जा रहे हैं विवाह की तरफ शॉपिंग करने के लिए, आज देवू स्कूल नहीं गया। आजकल पता नहीं इसको क्या हो गया, ऐसे क्यों कर रहे हो भैया, हाइडिंग। अच्छा हाइडिंग से खेल रहे हो, बहुत ही कम लोग देख रहे हैं आते जाते, वैसे क्योंकि रमजान स्टार्ट हो चुका है ना तो ऑफिस का भी थोड़ा टाइम वैसा होना, हलचल यहाँ पे लगी रहती है अलमाया के पास। के रात तक बारिश ही हो रही थी, शाम तक मतलब 6 बजे तक, तो ऐसा लगा था कि शायद बाहर नहीं जा पाएंगे, लेकिन बच्चों का मन था, बारिश रुक गई थी तो बाहर ऐसे गए थे, लेकिन ऐसा लगा था आज नहीं जा पाएंगे क्योंकि बारिश 3:30 से 4 बजे। देखो क्या देख रहे हो,
बादल गरज है, बिजली गरज है, ऐसा लग रहा था बहुत तेज बारिश और भी होगी क्योंकि सुबह से तो बरस ही रहा है, लगा कि रात को भी बरसेगा लेकिन रुक गई थी। तो फिर शाम को ऐसे ही सोचा चलो पार्क बच्चों को लेके चलते हैं, लेकिन यही था कि बंद होगा तो यही सोच रहे थे कि बंद होगा तो नहीं चलते, लेकिन फिर बच्चों का मन था तो लेके जाना पड़ सकता। ओके लेकिन बच्चों का मन था इसीलिए लेके, क्या पीछे मुड़ मुड़ के क्या देख रहे हो तुम, लेकिन बच्चों का मूड था इसीलिए जाना पड़ा। लेकिन जब गए तो बंद था, गवर्नमेंट की तरफ से बंद हो गया था शायद पार्क, सारे पार्क बंद थे, एक दो पार्क देखा तो वो बंद थे क्योंकि बारिश की वजह से वापस वहाँ पर भी पानी, कुछ कुछ रोड जगह रोडों में पानी भर गया था, इस वजह से वो भी बंद हो गया था। हाँ भैया, फिर ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव हो गई हमारी सबकी और खाना खा के फिर वापस आ गए। ओके तो बस ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव पे चले गए थे। और डेबू अभी जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, और डेबू अपना कार्ड लेके जा रहे हैं कह रहे हैं वाटर फॉलिंग हो रहा था, मतलब पानी भरा हुआ था ना तो उसके ऊपर कार चलेगी तो पानी उड़ रहा था, तो इसलिए कह रहे हैं कि वाटर फॉलिंग हो रहा था। स्टार्ट हो चुका है इसलिए जगह का स्कूल भी दोपहर तक का है तो वो भी दोपहर तक आ जाती है। अच्छा तो देवू कह रहा है मेरा स्कूल आज स्कूल नहीं गया है ना देवू, तो शायद स्कूल को मिस कर रहा है क्या देवू? हाँ, स्कूल टुमरो गो तो स्कूल, यस तो देवू कल जरूर जाएगा। क्यों देवू? नो रख दो, हमें ये नहीं लेना है। तो देवू मुझे शॉपिंग करवा रहा है, मेरी बजाय देवू बोलेगा। गोभी टमाटर नहीं, प्याज आलू। अच्छा आज मैं कुछ नहीं बताऊंगी, आज सारा देवू हमें टूर करवाएगा, हम बस उसके पीछे पीछे चलेंगे। यस यस ब्रिंजल देवू टमाटर लेने भैया, वेट हाँ टमाटर लेने हैं। देखिए पनीर आलू पराठा मटर और ये समोसा ना एंड पिज्जा। आओ चलो देखो, और मौसम देखिए कैसा हो रखा है, बाकी फ्रेंड चले गए अभी, बस तीनों ही खेल रहे गुनीशा देबू और जग्गू। तो अभी घर पे बन रही है पानी पूरी गलगप्पे, तो अभी उसकी तैयारी भाभी कर चुके होंगे, तो अभी ये तीनों खेलने में लगे हुए हैं बैट बॉल, दोनों क्रिकेट तीनों खेलने में लगे हुए हैं बारी बारी बिना लड़ाई किए खेल रहे, अच्छी बात है। अभी ये कैसे खेल हुआ देबू? दीदी की टर्न थी ना। अच्छा वन बॉल देबू खेल ले। अच्छा इतनी जल्दी 100 बॉल हो गए? देबू क्या कर रहे हो, कार के पीछे क्यों जा रहे हो? लो जग्गू उसको नहीं खेलना है, तो फिर जल्दी लो बैट। तो गल गप पे हमारी पानी पूरी रेडी हो चुकी है, मटर चटनी दही प्याज चाट मसाला सेव पूरी धनिया। डांस स्टार्ट हो चुका है, तो जगू का ट्यूशन के सर भी, उनका भी रोजा होता है रमजान होता है, तो ट्यूशन का टाइम चेंज हो चुका है, तो शाम को आते थे वैसे तो अब 4 बजे आ जाते हैं, तो जगू के लिए ये अच्छा वाला टाइम है, 4 बजे ट्यूशन कर लो और फिर खेलने जाओ अपने फ्रेंड के साथ खेल सको, वरना यही होता है 6-7 बजे आते तो उनको यही होता है अरे अभी सर आ जाएंगे मुझे जल्दी जल्दी जाना है खेल के, तो ये होता है उसके। देवू को भी स्कूल छोड़ दिया गया, जग्गू भी आज स्कूल चली गई है, और रमज़ान चल रहे हैं ना तो उसका ट्यूशन का टाइम चेंज हो चुका है आजकल। कल गलगप्पे बनाए थे पानी पूरी, तो देवू ने खाया, उसको अच्छा लगता है, तो कह रहे हैं गलगप्पे पानी पूरी सब कुछ एकदम शांत सा लग रहा है रमज़ान की वजह से, हलचल रहती है, वैसे दोपहर पे कम ही हलचल रहती है लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही कम है।
का टाइम हो चुका है और मैं जा रही हूँ देबू को लेने के लिए। देबू के आने का टाइम हो चुका है और जग्गू भी रमजान की वजह से उसका भी 2 बजे तक का स्कूल है, 2 बजे वो घर पे आ जाती है। और कल से जग्गू की छुट्टियाँ हैं और सीधा उसका 1 अप्रैल को उसका स्कूल खुलेगा, तब तक छुट्टियाँ हैं क्योंकि रमजान चल रहा है, उस वजह से उसको छुट्टियाँ हैं स्कूल में रमजान के लिए। तो अब से लेकिन देबू स्कूल जाएगा, देबू का स्कूल शुरू ही रहेगा, वो घर पे नहीं रहेगा। और धूप बहुत है आज, आँख में आ रही है। दरवाज़ा 2 मिनट में खुलने ही वाला है, सब बच्चे यहाँ बाहर शूज पहने, आवाज़ आ रही है। अच्छा चॉकलेट निकाल, ये नहीं, ये इसको बंद करना है और ये बोतल को, हाँ इसके अंदर रखनी है बोतल को। चलो रखो, इसमें नहीं, इसमें रखो, फिर इसमें है ना, इसको वेट। स्टेज से जाना है, देखो आधे तक पहुंच गया और फिर कह रहा है स्टेज से जाना है। देबू ने बैग में बोतल रख दी, देबू बोतल दे, हम बैग में रख दें। नहीं, क्यों हम टांगे हैं, टांगे हैं यार। ओके ऐसे क्यों कर रहे हो? देबू ने स्कूल में क्या क्या किया? क्या किया आपने? लंच फिनिश किया आपने? हाँ। और 30 हुए और अभी मैं और देबू जा रहे हैं पार्क में खेलने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद जा रहे हैं। वैसे ज़्यादातर क्या है, देबू जग्गू के फ्रेंड के साथ खेलता है नीचे पार्किंग में, इस वजह से नहीं जा पाता है पार्किंग में, इसलिए पार्किंग में खेलता है, पार्क में नहीं जा पाता है। लेकिन आज जा रहा है पार्क खेलने के लिए। देबू मिक्की पहना है क्या? मिक्की माउस हमने कैट पहना है, हमने कैट पहना है। तो देबू पार्क पहुंच गया, लेकिन अब देखते हैं देबू का कौन सा फ्रेंड आया हुआ है खेलने के लिए, या फिर देबू न्यू फ्रेंड बनाता है। ठीक है, ओके देबू न्यू फ्रेंड बनाते हैं? हाँ बोल निकाले, हम बोल देबू की लॉलीपॉप। अच्छा तो आपको याद है लॉलीपॉप अभी भी, लेकिन पहले खेल ले, पहले खेल लेते, देखो सब बच्चे खेल रहे हैं ना, पहले खेल ले फिर खाएंगे। ओके ये क्या हो रहा है भाई? हमारे पास पॉकेट है, हम रख दें हमारी पॉकेट में, बताओ। अच्छा अच्छा रख दो रख दो, अच्छा वाह है, बात सुनता है। चलो बॉल निकाल ले। हाँ 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 बनाइए, कह रहे हम फ्रेंड बना सकते हैं, मैंने कहा बना लो भाई। हाँ ओके, देखो पकड़ो पकड़ो बोल को, गो गो देबू रन। न्यू फ्रेंड के साथ खेल के अच्छा लगा? मीरा के साथ, इधर देखो बेबी के साथ खेल के अच्छा लगा मीरा? अब देखो न्यू और एक न्यू फ्रेंड बनाएगा, तो इसको अभी रख दो, तभी तो अब न्यू फ्रेंड बनाओगे ना, सब चले जाएंगे तब खेलोगे क्या? इसको रख दो, देखो न्यू फ्रेंड बन रहा है। चलो 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 हम बना दे देखो और एक न्यू फ्रेंड, चलो बाय। चलो चॉकलेट को इधर रख दो, मैंने लो बोल लो देखो, लो देबू टूट गया, आई एम हेल्प देबू, हेल्प करें हम आपकी ना। तो देबू आग जलाने की कोशिश कर रहा है क्या? देबू फायर करने की कोशिश कर रहे हो? जल गए, ये गुड बॉय देबू, गुड। वो अब जलने दो, अब हम बॉल से खेल ले, चले
कैट आ रही है क्या? देखो देवु बनाने में लगा हुआ है, अभी अंधेरे में खेल रहा था लेकिन हमने कहा लाइट में आ जाओ, वहाँ पे अगर कुछ कीड़ा होगा तो पता भी नहीं चलेगा देवु को। देवु किसी को टच नहीं करने दे रहा, कह रहा हम ही बनाएंगे अपने आप। क्यों देवु, देवु को किसी की हेल्प नहीं चाहिए ना? आई एम हेल्पिंग देवु, देवु हेल्प यू। घर पे चले गए थे लेकिन फिर अचानक बना प्लान पिज्जा खाने का, तो अभी मैं और देवु जा रहे हैं पिज्जा लेने के लिए, पिज्जा की शॉपिंग करने के लिए फ्रोजन अप वाला। और देखिए शॉपिंग के नाम में ये फिर से रेडी हो गया, वरना नीचे नहीं आना था। और पिज्जा किधर है भाई देवु? ये है पिज्जा। तो लेकिन हमें इसमें अब चेक करना पड़ेगा कि कोई नॉन वेज वाला तो नहीं है। हाथ हटाइए भैया, यस उसमें पढ़ना पड़ेगा। अब हम जान रहे, इसमें देखना पड़ेगा ना नॉन वेज वाला तो नहीं है, इस वजह से भैया मशरूम वाला हो रहा है। मशरूम टमाटर चीज़, ये सिर्फ चीज़ वाला है।